नाउ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सिस्टम क्या है, ठीक है, मतलब वो कैसे ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से अलग है और कैसे उसमें ओवरहेड्स एक्चुअली प्रोडक्ट पे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। नाउ उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, गोइंग टू इलस्ट्रेशन क्वेश्चन 1। आपको बोला है एबीसी लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी, ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स बना रही है ए बी और सी। द बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन for the year ending 31st March 2018 are as follows. अब उनका प्रोडक्शन क्या है? Now the production quantity for A, B and C are 4,000, 3,000 and 1,600 units. Resources क्या लग रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल्स ए को 4 kgs, बी को 6 kgs और सी को 3 kgs लग रहा है, और डायरेक्ट लेबर जो है ये मिनट्स में 30, 45 और 60 मिनट्स लग रहा है। तो आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये भी बताया है, ठीक है, द नंबर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, एंड उसके लिए क्या रिसोर्सेज लग रहे हैं, मतलब हाउ मच डायरेक्ट मटेरियल्स इज रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी मिनट्स ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड, ये दिया है। फाइन। द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वाज ₹10 पर आवर। And the budgeted material cost was ₹2 per kg. तो लेबर का रेट इज 10 रुपए पर आवर और मटेरियल का कॉस्ट इज ₹2 पर kg, ठीक है। Now production overheads were budgeted at 99,450 and were absorbed to the products by using the direct labor hour rate. Production overheads का जो बजट था it was budgeted to be around 99,450 rupees and it was absorbed on the basis of direct labor hours, ठीक है। ABC Limited followed an absorption costing system. Obviously वो अगर direct labor hour rate के basis पे absorb कर रहे हैं तो they are following absorption costing. Now ABC Limited is now considering to adopt an activity-based costing system. अब तक अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चल रहा था, नाउ दे आर थिंकिंग टू मूव ऑन टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नाउ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। क्या? बजटेड ओवरहेड्स वर एनालाइज्ड इनटू फॉलोइंग, ठीक है, बजटेड ओवरहेड्स इन टुकड़ों में बांटे गए हैं। नाउ अगर मैं इन तीनों टुकड़ों की एडिशन करूं तो 29,100 प्लस 31,200 plus 39,150 is 99,450. तो ये जो 99,450 रुपीस के बजटेड ओवरहेड्स थे ये उनका बाइफर्केशन है, ठीक है, कि वो बजट कैसे निकाला गया, वो बजट ऐसे निकाला गया इन तीनों में बाइफर्केट करके, ठीक है। देन द कॉस्ट ड्राइवर्स वर आइडेंटिफाइड एज फॉलोज। मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट ड्राइवर was weight of material handled. Storage cost का cost driver was number of batches of material, and electricity का cost driver was number of machine operation. तीनों cost, ये आपके 3 cost थे, material handling, storage and electricity, तीनों cost को उन्होंने cost driver attach करके दे दिया आपको, ठीक है। द डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स वाज एज फॉलोज। फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन बैचेस ऑफ मटेरियल कितने लगे? ए के 10 बैचेस हुए, बी के 5 बैचेस और सी के 15 बैचेस। एंड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स कितने लगे? ए को 6 ऑपरेटर्स, बी को 3 और सी को 2 ऑपरेटर्स, ठीक है। द क्वेश्चन इज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। मैं वापस बोल रहा हूं, क्या चाहिए? स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, मतलब वी नीड टू शो द कॉस्ट पर यूनिट एंड द टोटल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से किया तो हर प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आएगा और टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितना आएगा. Then prepare a statement for management showing the product cost for each product using ABC approach. यही काम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी करना है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी आपको प्रोडक्ट का इंडिविजुअल कॉस्ट बताना है कितना आता है एंड टोटल कॉस्ट कितना आता है. एंड स्टेट व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू अप्रोचेस. क्यों फर्क हुआ ये बताना है दोनों में, ठीक है, कि क्यों एग्जैक्टली डिफरेंस क्रिएट हुआ है. तो विल कॉन्सेंट्रेट ऑन इट वन बाय वन. पहले आपको बोला है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से निकाल के देता है. फाइन. नाउ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से एक विल जस्ट राइट इट एज इलस्ट्रेशन वन. This is what page 4. Illustration 1 on page 4. ठीक है, आपको जो क्वेश्चन पूछा है that is in normal terms 1, 2, 3. ठीक है, तो हम लोग आंसर भी वैसा ही करेंगे. पहले फर्स्ट के लिए. Now, डायरेक्ट मटेरियल की क्वांटिटी हमको मालूम है, डायरेक्ट लेबर के मिनट्स हमको दिए हैं, डायरेक्ट लेबर का रेट मालूम है इट इज 10 रुपीज पर आवर और मटेरियल का रेट मालूम है कि इट इज 2 रुपीज पर केजी. तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो कॉमन में इनकर हुए हैं 99,450 इसको बांटना पड़ेगा, इसको बांटने का तरीका ढूंढना पड़ेगा. तो ये 99,450 के लिए आई विल हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स, क्योंकि आपको बोला है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दीज वर अब्सॉर्ब्ड टू द प्रोडक्ट्स यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आवर रेट. इट वाज अब्सॉर्ब्ड यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आवर रेट, ठीक है. तो first of all we'll have to find out the absorption rate, overhead absorption rate. What is the total time required for the products? A के 4000 यूनिट्स बने हैं और हर यूनिट को 30 मिनट्स लगा है, ठीक है. तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है. दिस विल बी पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड टोटल, ठीक है. नंबर ऑफ यूनिट्स कितना, ए के 4000, बी के 3000 और सी के 1600. ए के 4000, बी के 3000 और सी के 1600, ठीक है. टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट्स, टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट्स. तो यहाँ पे आपको बोला है ए को 30 मिनट्स चाहिए, बी को 45 और सी को 60 मिनट्स चाहिए. तो ए को 30 मिनट्स, बी को 45 और सी को 60 मिनट्स, ठीक है. तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स, व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स. तो ए के 4000 यूनिट्स है, एक यूनिट को आधा घंटा लग रहा है, 30 मिनट इज आधा घंटा, एक एक यूनिट को आधा घंटा लग रहा है. तो 4000 यूनिट्स को कितना लगेगा, दैट विल बी 2000 आवर्स, ठीक है. 30 मिनट्स का मतलब होता है, 30 मिनट्स का बेसिक मीनिंग इज 0.5 आवर्स, 45 मिनट्स इज 0.75 आवर्स और 60 मिनट्स इज 1 आवर। तो बी के लिए 3000 यूनिट्स है, 0.75 आर, दैट विल बी 2250 आवर्स। और सी के लिए इट विल बी 1600 आवर्स, एक एक घंटे का लग रहा है। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन? ठीक है, तो टोटल टाइम फॉर ऑल दी प्रोडक्ट्स कंबाइंड is 5850 hours, 5850 hours। ठीक है, तो that is the total time। फाइन। तो आपके जो ओवरहेड्स है आपको इतने आवर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो ओवरहेड्स है आपके 99450, यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट on 5850 hours. So we'll say therefore overhead rate. So what are the overheads? That is 99450 divided over 5850 hours. It comes as ₹17 per hour. ₹17 per hour मतलब हर आर का 17 रुपीज ओवरहेड चार्ज करना है आपको। तो अब आपको मालूम है कि ए, बी और सी के कितने टोटल आवर्स हो रहे हैं। उस हिसाब से यू कैन एक्चुअली चार्ज दी ओवरहेड्स। तो विल से कैलकुलेशन, अब टेबल बना सकते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ per unit cost and total cost, calculation of per unit cost and total cost। ठीक है, for each product तो हमको particulars के साथ 3 products लगेंगे। Will be particulars or 3 products. The 3 products are A, B and C. So direct materials कितना A के लिए? तो 4000 यूनिट्स बने, हर यूनिट को 4 किलो के मटेरियल लग रहे हैं और हर किलो का मटेरियल ₹2 का है, बराबर। मतलब आई कैन थिंक ऑफ इट दिस वे कि 1 किलो का मटेरियल ₹2 का है। ठीक है, विच आई कैन सी दिस हियर, 1 किलो का मटेरियल ₹2 का है। एक प्रोडक्ट ए बनाने को 4 किलो लग रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट ए बनाने को ₹8 का मटेरियल लग रहा है। और ऐसे 4000 यूनिट्स है, 4000 यूनिट्स है। So I can say this is 4000 units into 4 kgs into ₹2. That is 32,000 rupees. ठीक है, similarly B के लिए 3000 यूनिट है, एक यूनिट को 6 किलो और हर किलो ₹2 का है। That will be 3000 units into 6 kgs into ₹2, 36,000 होता है, 36,000। ठीक है, एंड सी के लिए 1600 का क्वांटिटी, 3 किलो फॉर ईच यूनिट और ₹2 for each kg। So this will be 1600 units into 3 kg into 2 rupees. That is 9600. ये हुआ डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर। हम लोगों ने आर्स का कैलकुलेशन ऊपर कर लिया है। हम लोगों ने आर्स का ए का 2000, बी का 2250 और सी का 1600 आर्स का कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो वी कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय द रेट, जो डायरेक्ट लेबर आर का रेट है दैट इज 10 रुपीज पर आर। तो ऊपर जो आर्स दिए है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ए के लिए इट विल 2000 आर्स इंटू ₹10, बी के लिए इट विल 2250 आर्स इंटू 10, सी के लिए इट विल 1600 आर्स इंटू ₹10। This will be 22,500 and 16,000. ठीक है, similarly overheads will be charged. Now overheads is also charged here. Absorption costing में overheads is also charged on the basis of labor hours. ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि overheads were absorbed to the product using direct labor hour rate, ठीक है। और जो रेट हम लोगों ने निकाला है 17 रुपीज पर आर, 17 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आर, ठीक है। तो अगेन यही आर्स जो आपने लेबर के लिए यूज किया, मतलब डायरेक्ट लेबर निकालने के लिए यूज किया, यही आर्स विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ओवरहेड्स। सिर्फ जो रेट है वो रेट अभी 17 रुपए का आएगा। दिस विल बी 2000 आवर्स इनटू ₹17, दैट इज 34,000, देन 2250 आवर्स इनटू ₹17, दैट इज 38,250. Then 1600 hours into ₹17. This 27,200. ये हो गया इनका टोटल कॉस्ट। This will be 86,000 96,750 52,800, ठीक है। बट अपने से पर यूनिट कॉस्ट भी मांगा है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने, इधर 4000 यूनिट्स है, इधर 3000 यूनिट्स है, इधर 1600 यूनिट्स है। व्हाट विल बी द कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो इफ टोटल कॉस्ट इज ए, नंबर ऑफ यूनिट्स इज बी, दिस विल बी ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। बट अब मैं ए और बी नहीं यूज करता हूं क्योंकि ए और बी ऑलरेडी प्रोडक्ट के नाम है। विल जस्ट यूज एक्स एंड वाई, दिस विल बी एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पे द कॉस्ट पर यूनिट इज 21.50, दिस विल बी 32.25, this will be 33 rupees. ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये दो चीजें मांगी थी। वन, वॉज द टोटल कॉस्ट, जो हम लोगों ने यहाँ निकाल के दिया है, एंड द अदर वॉज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो ये जो दो चीज हम लोगों ने निकाल दी है, दीज आर द टू आंसर्स फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी अप्रोच। नाउ अगर यही चीज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करी होती तो क्या होता? सो द सेकेंड पार्ट मैं हेडिंग दे देता हूं अंडर एबीसी अप्रोच। आप फर्स्ट वाले को भी चाहिए तो हेडिंग दे सकते हो। अगेन दोनों ही केस में हेडिंग नेसेसरी नहीं। अंडर एबीसी अप्रोच ना, जैसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए ओवरहेड रेट निकालना पड़ता है, आप ओवरहेड रेट निकालते हो फिर आप प्रोडक्ट पे चार्ज करते हो। ठीक है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रोसेस ये है। वैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए आपको एक्टिविटी ड्राइवर का रेट निकालना पड़ता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए एक्टिविटी ड्राइवर का रेट निकालना पड़ता है। ठीक है, विल से एक्टिविटी ड्राइवर रेट्स। तो पहले जैसे हम लोगों ने वहां पे पहले ओवरहेड रेट निकाला, फिर हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाई, यहाँ पे भी हम लोग एक्टिविटी ड्राइवर के रेट्स निकालेंगे। एक्टिविटी ड्राइवर्स आपको क्या बताए हैं ना, आपको ये जो टोटल ओवरहेड्स है इसको बांट के दिया है बिटवीन 3 कि उसमें से इतना मटेरियल हैंडलिंग का, इतना स्टोरेज कॉस्ट का, इतना इलेक्ट्रिसिटी का। फाइन, फिर देखो कि उनका कॉस्ट ड्राइवर क्या बोला है। मटेरियल हैंडलिंग का जो है उसका कॉस्ट ड्राइवर यहां बोला है आपको, इट इज वेट ऑफ मटेरियल्स हैंडल्ड। इट इज वेट ऑफ मटेरियल्स हैंडल्ड। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट के लिए आपको बोला है इट इज नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रिसिटी के लिए नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। तो हम लोगों को ये सब निकालना पड़ेगा कि ये टोटल कितना है। ठीक है, ये टोटल कितना है, तो उसके लिए will actually prepare a table. Will actually prepare a table. ठीक है, नाउ पर्टिकुलर्स के साथ क्या क्या लगेगा, तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एबीसी के साथ टोटल लगेगा और टोटल के बाद ओवरहेड का रेट आएगा। ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप पहले देख लो। ठीक है, पर्टिकुलर्स विल से कॉस्ट ड्राइवर, देन प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, एंड एक्टिविटी रेट। Yeah, we can say cost driver rate. ठीक है, अब कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसा आएगा, तो पहली चीज आपको दी है मटेरियल हैंडलिंग, तो मैं पहली चीज ले रहा हूं मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या दिया है, वेट ऑफ मटेरियल्स हैंडल्ड, वेट ऑफ मटेरियल्स हैंडल्ड। अब ये देखो कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी के लिए टोटल मटेरियल हैंडल कितना हुआ, टोटल मटेरियल कितना हैंडल हुआ है। प्रोडक्ट ए 4000 यूनिट्स बना और हर यूनिट को 4 किलो लगा, तो टोटल 16000 किलो का प्रोडक्ट प्रोडक्ट ए के लिए हैंडल किया होगा। ठीक है, इट इज व्हाट 4000 into 4 kgs, तो 16000 kgs, 16000 kgs is the material handled for A. Similarly, B के 3000 units बने हैं and the direct material usage is 6 kgs, तो 3000 units into 6 kgs, 3000 into 6 kg, ये होगा 18000 kgs। देन C के लिए इट इज 1600 into 3, that is 4800। What is the टोटल मटेरियल हैंडल, तो आएगा 16000 प्लस 18000 प्लस 4800। ठीक है, 38800, 38800। अच्छा, मैंने एक कॉलम कम बना दिया इसमें। ठीक है, मुझे टोटल का भी एक कॉलम लगने वाला था, तो आई विल जस्ट चेंज दिस। मैं एक कॉलम और ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो दिस विल बी टोटल, और फिर आएगा यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर का रेट, तो टोटल कितना किलो हैंडल किया, दिस इज 16000 प्लस 18000 प्लस 4800, दिस इज 38800 केजीज, 38800 केजीज का मटेरियल हैंडल किया है टोटल। ठीक है, अब मटेरियल हैंडलिंग की आपको कॉस्ट कितनी लगी है, तो आपको यहाँ पे बोला है मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट इज 29100 रुपीज। तो व्हाट विल बी द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर केजी, ये 29100 रुपीज आपको टोटल 38800 केजीज हैंडल करने के लिए लगा है, 38800 केजीज हैंडल करने के लिए। व्हाट इज द मटेरियल हैंडलिंग रेट पर केजी, इट इज कमिंग एज 0.75 रुपीज, इट इज कमिंग एज 0.75 पर केजी। कैसा आया, तो इट इज 29100 डिवाइडेड बाय 38800 केजीज। ठीक है, तो ये आया मटेरियल हैंडलिंग का रेट, ठीक है, यह है मटेरियल हैंडलिंग का रेट कि जब भी 1 किलो का मटेरियल हैंडल होगा तो उस पे 0.75 रुपीज पर केजी से कॉस्ट चार्ज होगा। जब भी मटेरियल हैंडल होगा 0.75 रुपीज पर केजी से चार्ज होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कॉस्ट मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या किया, हम लोगों को ओवरहेड के टुकड़े किए थे, तो मैंने ओवरहेड का पहला टुकड़ा लिया। ठीक है, मुझे ये मालूम था कि उसके टोटल ओवरहेड जो है 2,29,100, मुझे देखना था कि उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, तो द कॉस्ट ड्राइवर वाज वेट ऑफ मटेरियल्स। तो मैंने टोटल वेट ऑफ मटेरियल्स निकाला, टोटल वेट ऑफ मटेरियल्स आया 38,800। तो मैंने पूरा का पूरा कॉस्ट, ये जो इसका पूरा कॉस्ट है 29,100, इसको चार्ज किया ओवर दैट कॉस्ट ड्राइवर। तो मेरा कॉस्ट ड्राइवर का रेट आ गया। नाउ व्हाट इज द सेकंड एक्सपेंस? ठीक है, व्हाट इज द सेकंड एक्सपेंस? द सेकंड एक्सपेंस इज स्टोरेज कॉस्ट। नाउ स्टोरेज कॉस्ट आपको 31,200 दी है, फाइन। स्टोरेज कॉस्ट के लिए आपको द कॉस्ट ड्राइवर इज गिवन एज नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। तो सेकेंड चीज जो है दैट इज स्टोरेज कॉस्ट, और द कॉस्ट ड्राइवर इज नंबर ऑफ बैचेस। तो अब ये देखो कि प्रोडक्ट ए को कितने बैचेस लगी, बी को कितने बैचेस लगी और सी को कितने बैचेस लगी। ठीक है, वी नीड टू सी दिस, प्रोडक्ट ए को कितने बैचेस लगी, बी को कितनी लगी और सी को कितनी लगी। तो यहां पे आपको बोला है कि फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन ए को 10 बैच, बी को 5 बैच और सी को 15 बैच लगी है। तो इट इज 10 बैचेस, 5 batches and 15 batches, which means the total is 30 batches. So everything will be distributed, मतलब ये जो storage का cost है this will be distributed over 30 batches. Storage का cost is 31,200 divided by 30 batches, that is coming as rupees 1040. Rupees 1040 per batch. Per batch कैसे आया? It is 31,200 divided by 30 batches. ठीक है, 31,200 डिवाइडेड बाय 30 बैचेस, ये आया आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर स्टोरेज कॉस्ट, फॉर स्टोरेज कॉस्ट। देन मूविंग फॉरवर्ड, तीसरा कॉस्ट आपको क्या दिया है? द थर्ड कॉस्ट इज गिवन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट is to be distributed over machine operations, machine operations। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि total machine operations कितने हैं। Now ये जो machine operations आपको दिए हैं, ये आपको दिए हैं for per unit of production। एक यूनिट को कितने operations लगते हैं वो बताया है यहाँ पे। What we need is the total operations, total number of operations। तो मुझे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, मुझे ये मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 6 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन और 2 ऑपरेशन पर यूनिट है। Which cost is this? It is electricity cost. It is electricity cost. ठीक है, काय पे जा रहे हैं? नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। ठीक है, कितने होंगे? तो एक यूनिट के लिए 6 ऑपरेशन लग रहे हैं, ऐसे 4000 यूनिट्स बने हैं, so that will be 4000 units into 6 operations. I'll just write it as OPS. ठीक है, so that comes as 24000. ठीक है, 24000 operations. Then similarly इसके 3 ऑपरेशन पर यूनिट है, तो 3 ऑपरेशन पर यूनिट इंटू 3000 यूनिट्स, दैट विल बी 9000 ऑपरेशंस। 9000 ऑपरेशंस को मैं ओपीएस लिख रहा हूँ। एंड देन सी के 2 है, 2 ऑपरेशन पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स इज 1600, तो 1600 यूनिट into 2 operations, that comes as 3200 operations. So total 24000 plus 9000 plus 3200 becomes 36200 operations. So what is the total cost? It is 39150. So 39150 divided by this, it was 39350. So 39150 divided by 39150. Divided by 36200 operations. It comes as rupees 1.08. ठीक है, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट, तो हम लोग जो पूरा डेसिमल के साथ आ रहा है उसको यूज करेंगे। ये आ गए एक्टिविटी ड्राइवर के रेट्स, दीज आर एक्टिविटी ड्राइवर के रेट्स। नाउ वी कैन चार्ज इट टू the products. Now we can find out the cost per unit and total cost. In same choose particulars and the three products. Will be particulars and the 3 products A, B and C. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स के लिए अब हमको निकालने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है, तो वी कैन यूज दैट। डायरेक्ट मटेरियल वाज 32, 36 एंड 9600। ठीक है। डायरेक्ट लेबर ये भी हमको अलग से निकालने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऊपर का यूज़ कर सकते हैं। बस 20, 22,500 एंड 16,000। ठीक है, अब सिर्फ ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स अब अलग तरीके से बट रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने अब्जॉर्प्शन में क्या किया था, सब ओवरहेड्स को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके एक रेट निकाला और उस रेट पे हम सब प्रोडक्ट में ओवरहेड्स बांट दिए। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम हर ओवरहेड अलग तरीके से बांटेंगे। ठीक है, विल एक्चुअली बाइफरकेट बिटवीन ओवरहेड्स। तो पहला है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल्स हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग का आपने रेट क्या निकाला है, तो मटेरियल हैंडलिंग का जो रेट निकला है दैट इज ₹0.75 पर केजी। ₹0.75 पर केजी। अब ₹0.75 पर केजी आया, उसमें से कितना मटेरियल्स ए के लिए हैंडल किया गया है, तो इट इज हियर 16,000 केजी। तो द रेट इज 0.75 पर केजी और ए के लिए द हैंडलिंग इज 16,000 केजी। तो टोटल चार्जिंग कितना रहेगा, दिस विल बी 16,000 kg into rupees 0.75 per kg, that gives us 12,000 rupees. That gives us 12,000 rupees. ठीक है, then similarly बी का मटेरियल हैंडलिंग इज 18,000 केजीज। तो बी का मटेरियल हैंडलिंग 18,000 केजीज का है, तो ये विद कॉस्ट 18,000 केजीज पे चार्ज होगा। इट विल बी 18,000 केजीज इनटू 0.75 पर केजी, दैट इज 13,500। एंड सी के लिए द मटेरियल हैंडलिंग इज 4,800 केजीज। तो 4,800 kgs के लिए चार्ज होगा, इट विल बी 4,800 kgs इनटू 0.75। दैट इज 3,600। ठीक है, तो अगर मैंने इन तीनों को ऐड करके देखा, ठीक है, 3,600 13,500 प्लस 12,000, I get 29,100, which is the total material handling cost. Which is the total material handling cost. ठीक है, तो मेरे material handling के cost बराबर तीनों में बढ़ गए। फाइन, material handling के cost यहाँ पे material handling के वेटेज के हिसाब से बटे। यही चीज ट्रेडिशनल जो ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थे, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यही चीज लेबर आवर्स के हिसाब से बट रही थी, क्योंकि वहां सब ओवरहेड्स कंबाइन करके लेबर आवर के हिसाब से ही बांटे। तो सबके सब ओवरहेड्स एक्चुअली लेबर आवर के हिसाब से बटे। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। एंड व्हाट इज द सेकंड कॉस्ट, इट इज स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट कैसे बांटा जाएगा, तो स्टोरेज कॉस्ट का जो रेट निकाला है अपन ने दैट इज 1040 यहां पे है। इट इज 1040 पर बैच। इट इज 1040 पर बैच। ठीक है, तो इनटू 10 बैचेस फॉर ए, 5 बैचेस फॉर बी एंड 15 बैचेस फॉर सी। तो 1040 इनटू 10 batches. This will be 1040 into 10 batches. यहाँ पे 1040 into 5 batches and 1040 into 15 batches. So this will be 10,400, 5,200, 15,600. ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ गया अगेन। तीनों को ऐड करके देख लो, 10,400, 5,200, 15,600, दैट इज 31,200 विच इज दिस। ठीक है, तो ये भी कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ गया बराबर। द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी, द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो आपने रेट निकाला है दैट इज 1.08, 1.08 दैट इज 1.08 पर ऑपरेशन। ठीक है, 1.08 पर ऑपरेशन। नाउ 1.08 पर ऑपरेशन, लेकिन ये डेसिमल पूरे है। विल जस्ट टेक इट अगेन, 39150 डिवाइड बाय 36,200. So that gives us 1.0814,917 पूरा ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जब मैं 1.08 बोल रहा हूँ तो मैं 1.08 नहीं ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग इट कंप्लीट 1.08 149,17127। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 24,9,000 एंड 3,200 ऑपरेशंस। ठीक है, 24,000, 9,000 एंड 3,200 ऑपरेशंस। तो इलेक्ट्रिसिटी पहले वाले के लिए आएगा रुपीज 1.08, जो कि हम लोग एग्जैक्ट 1.08 नहीं लेंगे, दैट विल बी 24,000 ऑपरेशंस। देन रुपीज 1.08 into 9,000 operations and rupees 1.08 into 3,200 operations. So here it is 25,955. ठीक है, बट 25,955.8 है तो विल जस्ट मेक इट एज 25,956। देन सेकंड वाले के लिए इट इज कमिंग एज 9,000 इंटू 9733। थर्ड वाले के लिए $200. It comes as 3461. This will give you total cost. This will give you 100,356. This will be 86933. Be 48261. ठीक है, then what is the number of units? इसके 4,000 इसके 3000 और इसके 1600. So if the total cost is X, number of unit is Y, so cost per unit will be X upon Y. So 25.089. Then this will be 28.98. Then this will be 30.16. Yeah, per unit. Okay, this is per unit. यहाँ पे भी आपसे दो चीजें पूछी थी, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, ये हम लोगों का आया. ठीक है, अब यही काम, यही चीज निकालने का एक और तरीका हो सकता था कि पहले पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट करो, पहले पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट करो, फिर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए करो. मतलब ये देखो कि एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना लगता है, एक यूनिट के लिए मटेरियल कितना लगता है, लेबर कितना लगता है, मटेरियल हैंडलिंग कितना, स्टोरेज कितना, इलेक्ट्रिसिटी कितना, एक यूनिट के लिए, और फिर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, आप ये भी कर सकते थे, दैट वुड हैव बीन वन वे आउट. इधर भी कर सकते थे आप ऐसा ही. ठीक है, जब आपने यहाँ कॉस्ट निकाला, एक यूनिट का मटेरियल, एक यूनिट का लेबर और एक यूनिट का ओवरहेड निकाल के देन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, मैंने टोटल अप्रोच से किया बिकॉज टोटल अप्रोच कम्स मच मोर नेचुरली. ठीक है, मेरे हिसाब से टोटल का अप्रोच ज्यादा नेचुरली ध्यान में आता है. ठीक है, तो आप पर यूनिट से जाके करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है. रादर अगर आपको पर यूनिट समझता है कैसे करना है तो इट विल बी फास्टर. जो हम लोगों ने इतने बड़े बड़े आंकड़े निकाले, पर यूनिट में वो आंकड़े छोटे हो जाएंगे, तो इट विल बी मच फास्टर. तो आपको वैसा करना है तो वैसा करो, द आंसर शुड बी सेम, द फाइनल आंसर शुड बी सेम. ठीक है, अच्छा यहाँ पे फर्क देखो क्या हो रहा है. हम लोगों ने जब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किया था, मतलब दिस इज अ प्रॉपर इलस्ट्रेशन ऑफ वेयर द डिफरेंस लाइज बिटवीन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एबीसी. जब हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किया था तो हमने ओवरहेड को सिंगल ट्रीट किया है, 99,450 के टोटल ओवरहेड्स. ठीक है, टोटल ओवरहेड्स को हमने रेट निकाल के 17 रुपीज पर आवर किया और सब में बांट दिया, एज इफ सब एक जैसे है. ठीक है, हमने ऐसे बांट दिया जैसे वो सब एक जैसे है. हमने एबीसी में क्या किया, हमने हर कॉस्ट का अलग रेट निकाला. मटेरियल हैंडलिंग का रेट अलग निकला, स्टोरेज कॉस्ट का रेट अलग निकला, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का रेट, ये भी हम लोगों ने अलग निकाला. हमने तीनों ओवरहेड के टुकड़े किए, तीनों के अलग रेट निकाले डिपेंडिंग ऑन उनका जो भी कॉस्ट ड्राइवर था. ठीक है, तीनों को कॉस्ट ड्राइवर के साथ एसोसिएट किया और फिर ये देखा कि उसके कॉस्ट ड्राइवर की टोटल कितनी आ रही है, मतलब उसके रिसोर्स की, एक्टिविटी ड्राइवर की टोटल कितनी आ रही है. वो टोटल पे हम लोगों ने कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करी और उसके हिसाब से हमने प्रोडक्ट पे कॉस्ट चार्ज की. ठीक है, तो ओवरहेड से इसमें एक ही चीज बदल रही है कि वहां पे ओवरहेड्स कंबाइन होके चार्ज होते थे, यहाँ पे हर ओवरहेड के लिए अलग रेट निकलेगा और फिर प्रोडक्ट पे चार्ज होगा. ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हर ओवरहेड उसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर के साथ एसोसिएट हो रहा है, So it is a much more precise thing. ठीक है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ने क्या बोला कि जिसको ज्यादा आज लग रहे हैं उस पर ज्यादा ओवरहेड चार्ज कर दो, बट दैट इज मतलब दैट मे नॉट बी ट्रू, दैट मे नॉट बी ट्रू। एबीसी बोलता है जो ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा है, सिर्फ टाइम नहीं, सिर्फ टाइम नहीं, जो ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा है उस पर ज्यादा कॉस्ट चार्ज करो। मटेरियल हैंडलिंग के लिए उसने क्या रिसोर्स यूज किया, वेट, वेट ऑफ मटेरियल हैंडल, जिसकी मटेरियल हैंडलिंग का वेट ज्यादा है, ऑब्वियसली मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट उस पर ज्यादा चार्ज करो। ठीक है, वैसे ही स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए उन्होंने बोला नंबर ऑफ बैचेस, भाई जिस प्रोडक्ट के ज्यादा बैचेस बनने वाले हैं उसके लिए स्टोरेज के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से बांटो। यहाँ पे हर कॉस्ट अलग तरीके से अलग कॉस्ट ड्राइवर पे बटेगी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अप्रोचेस। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन आपको बोला है, द क्वेश्चन इज स्टेट व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू अप्रोचेस। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू अप्रोचेस। The difference is due to the treatment of overheads. We'll say the difference between the two approaches is due to the treatment of overheads. ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि अंडर absorption costing overheads are distributed. Overheads are distributed on the basis of labor hours. On the basis of labor hours, and we'll say under ABC, overheads are distributed on the basis of their respective cost drivers, of their respective cost drivers. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दीज टू अप्रोचेस। ठीक है, तो यहाँ पे आर first sum, first illustration is completed.